लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे आंखों में जलन और खुजली के हो सकते हैं ये कारण। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गर्मियों में लोग बारिशों का इंतजार करते हैं। बारिश का मौसम भले ही आपको तपती गर्मी से राहत प्रदान करे, लेकिन इस मौसम में कई तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। मानसून में कई लोगों को आँखों में जलन और खुजली की समस्या होने लगती है। दरअसल इस मौसम में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। बारिश में भीगने से आपकी आँखों पर जलन और खुजली हो सकती है। इस समस्या में बिना डॉक्टरी सलाह के दवा का उपयोग ना करें। तो मानसून में आँखों में जलन और खुजली के क्या कारण होते हैं? तो पहला कारण है मानसून में एलर्जी का बढ़ना। मानसून आते ही वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिससे फंगस और धूल के कारण जैसे एलर्जी कारक तेजी से लोगों को संक्रमित करते हैं। ये एलर्जी आसानी से हमारी आँखों में प्रवेश कर सकती है, जिससे जलन और खुजली हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को आँखों में बार बार खुजली लगने लगती है, साथ ही आँखें लाल हो जाती हैं। बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण। मानसून के दौरान बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बेहद रहती है। इस दौरान लोगों को कंजंक्टिवाइटिस का समस्या देखने को मिलता है। इस समस्या में पहले व्यक्ति को खुजली लगती है, जिसके कुछ घंटों बाद आंखें लाल हो जाती हैं। इस समस्या में आंखें से पानी गिरना लगता है। ये रोग तेजी से फैलता है। बारिश के मौसम में एयर कंडीशन आपकी आंखों की नमी को सूखा कर सकता है। ऐसे में आंखों में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। आंखों में रूखापन होने पर खुजली और जलन होने लगती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को देखने में परेशानी हो सकती है। मानसून के मौसम में बैक्टीरिया की वजह से बिलनी बिल्ली इसको हम दूसरी तरह बोलते हैं घोएरी हो सकती है। दरअसल बारिश व गंदगी के कारण आँखों के किनारे पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दाना हो जाता है। इसे घुरी भी कहते हैं। इसमें आँखों के जलन और सूजन होती है। वातावरण में धूल प्रदूषण कई कण मौजूद होते हैं। ये कण बारिश के पानी के साथ मिलकर आपकी आंखों में इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। जब बारिश का गंदा पानी आपकी आंखों में आता है, तो इससे आपको आंखों में जलन होने लगती है। मानसून में आंखों में जलन और खुजली का बचाव कैसे करें? मानसून में आंखों की जलन और खुजली को दूर करने के लिए आप बैक्टीरिया से बचाव कर सकते हैं। इसके लिए आप बार बार आंखों पर हाथ ना लगाएं, क्योंकि कई बार बाहर किसी जगह पर हाथ छूने से इन्फेक्शन और आपकी आंखों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। बारिश में बाहर जाते समय आंखों में चश्मे को कवर रखें। बारिश की पानी आंखों पर ना जाए, इसके लिए आप बाहर निकलते समय छाते का उपयोग करें। डॉक्टर की सलाह पर आप कोई ड्रॉप ले सकते हैं, इससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो सकता है। सॉरी। एसी की हवा में ज्यादा देर तक ना रहें, इससे भी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। किसी एक गंदा तौलिया इस्तेमाल न करें। बाहर से आने के बाद हाथों को साफ जरूर करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।